नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था इस तरह से वीडियो बनाने में। मैं क्या करूँगा आपसे कि जो मैंने लेवल दिए हुए थे, मैंने ये लेवल आपको कल दिए हुए थे, तो हमने आज मार्केट ओपन हुआ तो हम क्या कामकाज कर सकते थे, वो हम एक डेली का थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए समझे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कि हम कैसी तरह से प्राइजेक्शन के हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। क्योंकि क्या आगे के दिनों में, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इस ऐसी तरह ट्रेड कर सको। जो बिगिनर्स है, जो नए आते हैं मार्केट में, तो वो इस तरह से ट्रेड कर सके। और मैं कैसे हर रोज़ एनालिसिस करता हूँ वो भी ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और जो मैंने लेवल दिया हुआ था 41,400, वहाँ से रिजेक्शन आया। पहली कैंडल डोजी टाइप में बंद हुई, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो आप एक जो मैंने दूसरा ये नीचे का लेवल था वो 41,157 का था, आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन भी ले सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पर पुट की पोजीशन भी ले सकते क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया था और आपको थोड़ा सा टारगेट मिल जाता, ऑलमोस्ट यहाँ तक का मिल जाता। लेकिन यहाँ से 41,200 से मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया और बाद में फर्दर अप मूव मिला, तो यहाँ पे आपका एक स्केल्पिंग ट्रेड बन सकता था। आप इन द डीप इन द मनी लिया होता तो आपको 80-90 पॉइंट भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और सुबह के मोमेंटम भी अच्छी खासी होती है तो आपको 100 पॉइंट भी मिल जाए तो कोई हैरान होने की बात नहीं है। और दूसरा ट्रेड कहाँ बनता था, यहाँ बनता था जब इस लेवल को ब्रेक हुआ 41,400, ये स्टॉप लॉस रख के अब यहाँ तक के टारगेट के लिए बेच सकते थे। ठीक है, हमारा आज का टारगेट भी हिट हुआ, मैंने कल भी ये लेवल दिया हुआ था, अगर 41,400 को ब्रेक करता है तो हमें 41,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात कर ले, निफ्टी में आज कैसे काम कर हुआ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। निफ्टी में आज बात करें तो जो मैंने लेवल दिया हुआ था 70,800 का, तो उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, और रिटेस्ट लेके फिर से धीरे धीरे ऊपर चला गया। हालांकि निफ्टी में इतनी अच्छी खासी मोमेंटम नहीं थी क्योंकि स्लोली स्लोली जा रहा था, तो प्रीमियम थोड़े डीके होके बाद में हाइक कर रहा था, इसलिए यहाँ पर भी लेकिन हमारा टारगेट हिट हुआ और उससे ब्रेक करके भी अच्छा खासा निफ्टी ने अप मूव दी। तो निफ्टी में तो ये एक ही ट्रेड बन रहा था, अगर इसको ब्रेक करता तो मैं एक छोटा सा स्केल्पिंग ट्रेड के लिए निफ्टी में मैं देख सकता था, लेकिन इतना ब्रेक नहीं किया, यहाँ से रिटेस्ट लेके निफ्टी ऊपर चल। अब बात कर लेते बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल हम कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। पहले तो ये लेवल सारे मैं हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, हम पहले वन डे की चार्ट देख लेते हैं, वन डे में कहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं। देखिए, ये जो एक रेंज थी वहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दी है बिंग निफ्टी में। ठीक है, अभी 1 आवर में चलते हैं, 1 आवर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये रेंज है, वहाँ से ये जो ऊपरी छोर है वहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये देखिए आप, यहाँ पे एक पिन बार है और साइड में एक रेड कैंडल क्लोज हुई है। अब आ जाता है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, 15 मिनट की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर भी है, इसका हाई क्या है 41,791 का, तो हम एक लेवल यहाँ पे बना देते हैं नीचे की ओर। ये अगर स्विंग ब्रेक करता है ये पूरे का पूरा 41,600 का, तो हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राउंड लेवल हम ले लेते हैं ये, क्योंकि ये कैंडल का लो कितना है 41,388 का, लेकिन हम राउंड लेवल ले लेते हैं 41,400, 200 पॉइंट का टारगेट होता है, अच्छा खासा टारगेट है। अगर ऊपर की ओर टारगेट के बारे में बात करें, अगर 41,791 को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हमें दूसरा लेवल हमारा यहाँ पर
42,000 का है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे तो ये बन गए बैंक निफ्टी के कल के लेवल। अगर 41,791 को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हमें 42,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर नीचे की ओर बाहर करे तो 41,600 को ब्रेक करता है, यानी ये लास्ट वाला जो ये स्विंग बना है यहाँ पर, अगर ये लेवल को ब्रेक होता है तो हमें 41,400 तक के नीचे की ओर टारगेट मिल सकते हैं। अगर इसके भी ऊपर ब्रेक कर दे और इसको भी ब्रेक कर दे तो यहाँ पे आप पिवट के हिसाब से, और यहाँ पे ये 41,200 ये दूसरा एक जो आज का लो है वो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में जस्ट अ सेकंड, पहले ये निकाल देते हैं, डे की कैंडल पहले देखेंगे हम। तो देख रहे हैं ये रेंज ब्रेकआउट कर दी है, यहाँ से लेके जो ये रेंज बन रही थी बैंक निफ्टी ने वो ऊपर की ओर ब्रेक कर, माफ कीजिएगा, निफ्टी ने वो ऊपर की ओर ब्रेक कर दी थी है। अब 1 आवर में हम देख देख लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा एक ये रेजिस्टेंस जोन है, पहले यहाँ पर एक मार्क कर देते, बाद में 15 मिनट में देखेंगे हम। देख ये यहाँ पे एक लेवल है, दूसरा लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट सेकंड, लेकिन अब देख सकिए यहाँ पे 80,000 का एक लेवल है जो राउंड लेवल है, और अच्छा खासा कई बार वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेक भी कर वहाँ पे मार्केट कभी ब्रेक भी लेता है, और अच्छा खासा वो सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है। तो मैं पर्सनली चाहूँगा जो सेफ प्लेयर है, और अगर 80,000 ब्रेक होता है ऊपर की ओर तो मार्केट तो ऊपर की ओर ट्रेड ले, वरना वेट एंड वॉच करे। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिल भी सकती है। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 80,000 के करीब तो हमारे लिए और अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग दी है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस है कि फिर इसी रेंज में नीचे की ओर जा सकता है निफ्टी। अगर नीचे की ओर बात करें तो ये जो स्विंग बनाया है 70,095 कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड, 70,895 का जो ये स्विंग है, अगर ये इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है तो हमें 70,000 माफ़ कीजिएगा 70,800 या लो तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। हालांकि कॉल का ये जो टारगेट है वो कई लोगों के लिए बहुत बड़ा है टारगेट, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो 127 पॉइंट का है, और यहाँ से लेते हैं तो 100 पॉइंट का है। लेकिन आपको इतना, कहीं बिगिनर्स के होते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो एक आप काम कीजिए, एक अपना माइंडसेट बनाइए टारगेट और स्टॉप लॉस का। ठीक है, तो आपके बड़े बड़े जब टारगेट आप वो टारगेट आपके जब हिट हो गए आपके कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको इतना ज़्यादा आपके जो माइंड सेट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार कि जो बिगिनर्स ट्रेडर है वो 1,000, 2,000, 3,000 तो कमा लेते हैं, लेकिन जब लॉस आता है तो सामने लॉस भी 2,000, 3,000 होता है। ऐसा नहीं करना, अब जब प्रॉफिट करो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको लंबे से लंबे टाइम होल्ड करना चाहिए। अब भले उसमें 5,000, 6,000 आपने क्वांटिटी के हिसाब से बनाओ, लेकिन आपका जो आपने एक एक ट्रेड है उसमें आप 10%, 15% आप गेन कर रहे हो तो आपका लॉस 3-4% ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका लॉस 3-4% होना चाहिए और आपका प्रॉफिट 10-11% के बीच होना चाहिए। ठीक है, या मैक्सिमम 9-8% तो होना ही चाहिए, आप 2-3% का लॉस कर रहे हो तो। ठीक है, तो अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।